पाकिस्तान क्या टूट जाएगा? अगर ये बर्बाद हो गया तो इसके न्यूक्लियर बम का क्या होगा? आज के समय में एक वाजिब सवाल बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय पैसे की कमी से जूझ रहा है। कई रिपोर्ट्स ने ये भी कह दिया है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो पाकिस्तान मई तक डिफॉल्ट कर जाएगा। पैसे की कमी से पाकिस्तान गृह युद्ध के ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। पाकिस्तान जैसे देश में इस बात की संभावना है कि यहां अचानक से कोई धार्मिक कट्टरपंथी ग्रुप उठे और सत्ता में आ जाए। एक परमाणु संपन्न देश में अस्थिरता दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है। इस संभावना को अमेरिका ने बहुत पहले भांप लिया था। इस स्थिति से निपटने के लिए उसने बहुत पहले तैयारी कर ली थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एक इमरजेंसी प्लान बना रखा है। इस प्लान का नाम है स्नैच एंड ग्रैब, यानी हथियारों को छीनकर उन्हें अपने कब्जे में ले लो। 9/11 के आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान अमेरिका की नजरों में चढ़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है। अगर ये गलत हाथों में चले गए तो पूरी दुनिया के लिए खतरा होंगे। 2007 में छपी गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित रहे, इसके लिए अमेरिका ने 2001 से 2007 तक $10 करोड़ खर्च किए हैं। लेकिन दो ऐसी घटनाएं दुनिया के सामने आई जिसने पाकिस्तान के परमाणु बम पर सवाल खड़े कर दिए। पहला था 2004, जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम का दिमाग कहे जाने वाले AQ खान पर हथियार के सीक्रेट लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया को बेचने का आरोप लगा। दूसरा मौका था 2011, जब पाकिस्तान में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया। साल 2011 में ही मीडिया में एक रिपोर्ट आती है जिसके मुताबिक अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है कि पाकिस्तान के हथियार उसके देश या हितों के लिए खतरा है, तो वो स्नैच एंड ग्रेब प्लान को एक्टिव कर देंगे। अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु बम को हमेशा खतरा मानता रहा है। शायद यही वजह है कि साल 2022 में राष्ट्रपति को बाइडेन ने परमाणु हथियार वाले पाकिस्तान को दुनिया के लिए खतरा बताया था। क्या ये प्लान एक्टिव होने पर अमेरिका सेना में घुसकर परमाणु हथियार को अपने कब्जे में ले लेगी? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने युद्ध तक की बात कह डाली थी। जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि परमाणु बम को सीज करने की कोशिश पाकिस्तान अमेरिका के बीच युद्ध कर देगा। ये पाकिस्तान की संपत्ति है जो पूरे देश में सुरक्षित जगहों पर है। 18,000 से ज्यादा सैनिक इसकी सुरक्षा कर रहे हैं।